तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेड के एपिसोड में। तो स्वागत है गाइज आपका। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने टीम किए थे अपने दो डायनो, जिसमें कि एक डोडोरेक्स और दूसरा था अपना ड्रैगन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल था। और कल ही मैंने फाइट करा था अपना वोल्केनिक गार्डियन बॉस से, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डायनो था। देख सकते हो, ये है वो डायनो जो कि अपना वोल्केनिक की थॉर्नी। और सच में ये डायनो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और अगर वो आपने एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ चेकआउट करो जाके। ओके, तो भाई लोग, आज हम करने आ रहे हैं अपना, पहले मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो अपना सीड है वो सारी चीज़ें मैं ग्रो करूँगा, बट कल मैं भूल गया था वो सारी डायनो की वजह से। भाई इसको इस्तेमाल करते करते मैं लिटरली भूल गया वो सीड वगैरह है वो, उसको उगाते वगैरह कैसे, क्या क्या सीन रहता है उसका। तो वो सारी चीज़ें करूँगा, बट आज मैं टेम करने आ रहा हूँ अपने शेडो के डायनो या फिर अपने फेरीज के डायनो। तो भाई कोशिश करूँगा इन दोनों में से अपन जिस किसी की भी केबल ईजी बना पाएंगे उसके डायनो टेम करेंगे। ओके, तो मोस्टली तो फेरी के डायनो ही रहेंगे। और फेरी में देखते हैं भाई के एक वेवरन आता है फेरी में, तो कोशिश करते उसको भी टेम करने का, क्योंकि मेरे को अंडे भी चाहिए रहेंगे तो मेरे को छोटे मोटे डायनोज भी चाहिए रहेंगे, लाइक आर्जेंटेविस वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, बट जरूर करेंगे भाई डायनोज। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे है मेरे पास अपना सीड वॉल्केनिक का और फ्रूट भी है। तो सबसे पहले तो फ्रूट ये कर लो। ओके, मेरे पास फ्रूट तो काफ़ी सारे हैं, बट मेरे पास सीड भी है। तो अभी एक काम करता हूँ कि जितने भी सीड है ना मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, बट उससे पहले जितना भी सामान फालतू का ना सब इधर रख देता हूँ। ओके, टेम हेल्पर तो ले लेता हूँ, बाकी अभी मेरे को इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसको भी इधर ही रख देता हूँ अपना टेमेबल वर्जन को। बाकी देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे सीड है ना। अभी एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं फर्टिलाइज़र उठाता हूँ। आई थिंक बन तो बहुत गए होंगे। ओके, बन तो बहुत गए, बट मेरे को चाहिए रहेगा थैच, तो थैच का भी जुगाड़ कर देता हूँ। रुको, ओके, बनना चालू हो गया, बहुत जल्दी बन जाएगा। बाकी अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है मेरा फार्म और मोस्टली मेरे को यहीं कहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक मेरे पास ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही हो चुकी हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इधर करूँ या फिर किधर करूँ, मेरे को इधर करना चाहिए क्या, मेरे को समझ में भी तो नहीं आ रहा किधर करना चाहिए। काम करता हूँ, ये क्या है, मैं सारी चीज़ें इनमें से ले लेता हूँ। ओके, और इसको कर देता हूँ डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और आई थिंक ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका भी उठा ही लेता हूँ मैं, इसका भी कर देता हूँ डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। चलो भाई, ये चार तो हो चुके हैं, हालांकि मेरे पास तीन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं और थोड़ा कर दूंगा, उधर उधर भी लगा दूंगा ज़्यादा होगा तो। ओके, बट सबसे पहले ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ, इसका इसका भी 2 लाख कर देता हूँ, इसका भी 2 लाख कर देता हूँ, एंड इसका भी 2 लाख कर देता हूँ। चलो भाई लोग, अभी सबसे पहले, अरे ये क्या हो रहा है भाई, वो क्यों रहा है। ओके, तो भाई अभी देख सकते हो ये मैंने लगा दिया अपना हाइड्रो का सीड, और आई थिंक ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। ओके, ये हाइड्रो का सीड डाल दिया मैंने इसके अंदर, बाकी इलेक्ट्रिक का सीड इसके अंदर डाल दिया, और अपना वोल्केनिक का सीड इधर डाल दिया, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, चलो भाई बहुत जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, मेरे पास और भी काफ़ी सारे हैं, बट अभी एक काम करता हूँ इन तीनों को ही उग जाने देता हूँ, बाकी आई डोंट थिंक मेरे को ऐसा कुछ चाहिए रहेगा। ओके ना, बट ये देखते कितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो चलते हैं फटाफट से, अभी इनको होने देता हूँ, जब बड़े हो जाएंगे ना तब मैं आपको दिखा दूँगा प्रॉपर तरीके से। बाकी और ऐसा कुछ तो नहीं है ना जो मेरे को लगाना होगा, और तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन हटा दूँ क्या मैं, और ज़्यादा लगा दूँ क्या, पता जल्दी जल्दी आ जाए। वैसे तो यार मेरे पास फ्रूट तो काफ़ी सारे रखे हुए, तो मेरे को अभी तो ज़रूरत नहीं है, बस ये उग जाए मेरे को आपको दिखाना है कि कैसे होते हैं ये, क्या क्या लगता है इन चीज़ों के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रॉक कैरेट में दही रख देता हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें। और अभी फिलहाल तो देख सकते हो मेरे पास फ्रूट तो काफ़ी सारे हैं, बस इलेक्ट्रिक का फ्रूट नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक का एक एक्स्ट्रा ही लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और तो सभी के हैं बट इलेक्ट्रिक का ही नहीं है। रुको, चलो भाई इलेक्ट्रिक का लगा दिया, ये बहुत जल्दी उग भी जाएगा, और आई थिंक ये थोड़ी देर में हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। बाकी मैं केबल बना लेता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो भाई ये है हमारी फेरी की केबल, और अभी आप देख सकते हो इसके लिए मेरे को चाहिए अपने सारे एलिमेंटल डायनोज के अंडे और सारे एलिमेंटल डायनोज के फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ 10 बन जाएंगे कि नहीं। ओके, 3 ही बन पाएंगे, तो आई थिंक मैं एक डायनो टीम कर सकता हूँ। मेरे को नहीं पता क्या चाहिए इसको, जरा देख लेता हूँ क्या कमी पड़ रही है।
वॉल्केनिक फ्रूट की। ओके वॉल्केनिक फ्रूट नहीं है मेरे पास, तो कैसे कैसे नहीं है भाई। ओके मिडलिंग हो गया। ओके अब आई थिंक ये हो जा रहा है। ओके 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 ये भी, ये शायद से गायब हो गए हैं इसलिए ताकि ये उगेंगे अभी, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, अगर हुआ नहीं तो भाई दिक्कत हो। ओके ग्रोथलिंग हो चुकी है इसकी, अभी आना स्टार्ट हो रहा है, आना चाहिए भाई, टाइम तो काफ़ी लग गया है इनको। ओके उग चुका है भाई, उग चुका है, तो देख सकते हो भाई लोग ये है अपना हाइड्रो का। हालांकि इसने फ्रूट देना स्टार्ट नहीं किया अभी फिलहाल, तो बाकी ऐसे ही धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कर देंगे ये भी। हेलो हेलो कौन जा। ओके चलो भाई दो आ चुके हैं फ्रूट अभी, हालांकि ये कम है बट आई थिंक ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओके अभी मेरे को इलेक्ट्रिक का भी मिल गया एंड अपना वॉल्केनिक का भी मिल गया, इसमें कौन सा है, इसमें तो आया ही नहीं है। ठीक है भाई लोग चलो भाई, चार तो केबल बन चुकी हैं, बाकी इलेक्ट्रिक फ्रूट ये मांग रहा है और ओके इलेक्ट्रिक फ्रूट नहीं है। ठीक है भाई लोग इलेक्ट्रिक फ्रूट ही नहीं है मेरे पास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना स्पॉइल टाइम ले रहा है, 23 घंटे, तो मतलब 24 घंटा है मेरे पास। अभी दो चाहिए होते तो मैं दो और बना सकता हूँ फिलहाल तो। ओके ओके दो ईजी बन जाएंगी बाकी। ठीक है भाई लोग अभी मेरे पास बन चुकी है 6 केबल और आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में ज़्यादा हो तो जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना उतने मेरे लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही है अभी भाई लोग। मेरे पास सारे डार्ट भी हैं, हालांकि मेरे पास थोड़े कम डार्ट हैं बट मैं और बनाने रख देता हूँ, रुको एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें भी करके ही जाता हूँ भाई मैं। नार्कोटिक ये वाले बना देता हूँ अगर बन जाती है तो। नार्को बैरी नहीं है क्या मेरे पास, नार्को बैरी नहीं है, रुको ज़रा। अबे 18 मिनट भाई क्या चाहिए। ओके आई थिंक ब्लड नहीं है, ठीक है भाई लोग मेरे को ब्लड भी चाहिए रहेगा तो ब्लड भी सारा चीज़ें करते हैं। बट सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा डायनो ढूंढता हूँ, मेरे को नहीं पता यार कि कौन सा फेरी का डायनो करना चाहिए। अगर मेरे को देखता हूँ मेरा जो वेवरन है ना, अगर वही फंस गया तो मज़े आ जाएंगे भाई। सबसे पहले तो मेरे को इसको क्रायो से बाहर निकालना पड़ेगा, मेरा जो ग्रिफिन है इसको निकालता हूँ सबसे पहले तो। ओके ये क्या मेरा ग्रिफिन, चलो भाई मैं घर से तो बाहर आ चुका हूँ बट फिर भी लैग हो रहा है, बट आई थिंक इतना मैं मैनेज कर लूंगा। और देख सकते हो ये है वो आउल, ओके ये है वो इस अपना मिथिक का स्नो आउल, और ये मैं आगे जाके टेम करूंगा। और हमारे यूएन में भाई हैं, उन्होंने बताया था कि अपना आउल को टेम करो, तो आउल को भी टेम करेंगे। और यहाँ पे भाई 250 लेवल की डिमोनिक की थॉर्नी आ चुकी, भाई डिमोनिक की थॉर्नी की हेल्थ देखो यार, 12 मिलियन 14.5 मिलियन हेल्थ है यार, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल होगा भाई। सोचो यार ये 50-60 मिलियन तो ऐसे ही पहुँच जाएगा भाई, बॉसों की खटिया खड़ी होने वाली है सच में। ये डायनो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा भाई, तो मज़े तो भाई भरपूर आने वाले हैं। बट सबसे पहले मेरे को एक डायनो ढूंढना पड़ेगा, फेरी का डायनो एक ये गया, अपना मेल है ये, और भी है क्या, एक नाइटमेयर को, कौन घूम रहा है ये नाइटमेयर का, ओ भाई 1 बिलियन हेल्थ है इसकी, सीरियसली भाई मजाक हो रहा है क्या भाई। इनको मारने में तो तगड़े तगड़े डायनो लगेंगे भाई, इनकी हेल्थ तो बहुत है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अपना जो डायनो हो वो 100-200 मिलियन तो बहुत इजी पहुंच जाना चाहिए। एक वहाँ पे भी एक और रेक्स है, हाई लेवल है क्या, नहीं यार 210 लेवल का ही है ये तो। ओके यहाँ पे वो अपना डिमोनिक का डायनो है, 11 मिलियन हेल्थ है भाई इसकी। भाई जितने भी डायनोज है ना सबको टेम करूंगा आगे जाके मैं, हर एक डिमोनिक का डायनो पकड़ूंगा, हर एक डिमोनिक का डायनो। और इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ, बताओ इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो देख लो, तो बंदा बैठा उसके ऊपर, अलग ही भाई फसड़ है। तो भाई सबसे पहले तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक फेरी का डायनो। वैसे मैंने कल यहाँ पे वेवरन देखा था, वेवरन को टेम करने की कोशिश करता हूँ, बट दिक्कत वही है कि भाई वो जो डायनो है ना वो ब्लड वगैरह कुछ तो खींचता है, तो दिक्कत हो जाती है उससे। एक और फेरी का डायनो, ओके ये नहीं ये तो सॉरी मिथिक का है, सॉरी 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 ये तो मिथिक का है, मेरे को एक और डायनो चाहिए भाई, मिल जाएगा तो बहुत सही रहेगा। मर गया क्या वो, ओके भाई लोग ये गया वो डायनो, बट यार 170 लेवल यार ये कुछ खास नहीं है। और भाई आप लोग अगेन कहोगे कि मैं डायनोस को टेम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बाई चांस मेरे को डिमोनिक के डायनोस पकड़ने हैं तो भाई लोग, अगर मेरे को डिमोनिक के डायनो पकड़ने हैं तो मेरे को चाहिए है इनकी
और केबल बनेगी इनके अंडों से। देख रहे हो भाई, मेरे को प्राइमल के डायनो भी मारने पड़ेंगे, लिटरली प्राइमल बोन चाहिए मेरे को, और ये मेरे को नहीं पता है कि किससे मिलेगी। ओके, तो इसके लिए मिथिक का वो चाहिए है अंडा, और सॉरी मिथिक की केबल चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी मिथिक की केबल। ओके, और मिथिक की केबल के लिए अपने को फेरी और शेडो दोनों ही डायनो के अंडे चाहिए। तो मतलब लेंदी प्रोसेस बहुत है, मुझे हर एक डायनो को टेम करना होगा, उसी के बाद में आगे प्रोग्रेस कर पाऊंगा आगे। ओके, नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है उसका। तो जितना हो सके मैं उतने कोशिश करूंगा डायनो टेम एम करने की। ओके, नहीं सॉरी यार, ये वही है यार, सेम डायनो भाई, बार बार पिंक कलर के दोनों दोनों दिखते हैं ना, इसलिए भाई कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक और डायनो है 290 लेवल का, ठीक है। ओके, 240 लेवल का मिल गया भाई मेरे को, 240 लेवल का मिल गया, अभी इसको टेम करता हूँ। रुको, टॉर पर तो बहुत ही, और ये क्या स्पीड टॉर पर जा रहा है भाई। भाई टॉर पर तो हो जाएगा इसको बहुत इजी। अरे क्या हुआ ये, पढ़ा इसको। अरे भाई 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 भाई, इसने भाई, ये बहुत तगड़ा चीज है। रुको भाई, इसको करना तो पड़ेगा बिड़ू। पढ़ा एक और आई थिंक ये बेहोश हो जाएगा, ठीक है, बट मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ बेहोश हो रहा है, नहीं तो कुछ गलत जगह हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, बहुत सही जगह हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अभी मैं इसको इजी कर सकता हूँ। दो केबल मांग रहा है ना ये, तो भाई एक काम करता हूँ, ये तो है अपना मेल डायनो और ये कुछ ज़्यादा खास है, तो सबसे पहले तो मैं इसको टेम करूंगा, इसको क्रायो करूंगा, और जो अपना एक और डायनो देखा था ना उसको टेम करूंगा। देखो 350, सॉरी 350 तो लेवल हो चुकी है इसकी फिलहाल। अभी एक काम करता हूँ, जो अभी एक और डायनो देखा था ना, ये तो ड्रैगन है। ओके ये गया, ये जो डायनो है ये 170 वाला ही है ना। ओके नहीं, ओके यार ये भी मेल है यार, कितने मेल होंगे यहाँ पे, बट इसकी हेल्थ देखो भाई, इसकी हेल्थ तो काफ़ी सही है। तो रुको इसको ही करता हूँ टेम, बाद में इनको मैं क्या नाम है, अपना जेंडर चेंज पोशन खिलाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगली एक काम करता हूँ, पढ़ा इसको बहुत इजी। अरे नहीं भाई, ओके अभी हो जाएगा, हो जा, इजी हो जाएगा, इजी 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 पीजी। ओके भाई फाइनली हो चुका है, बट बाज में ग्रिफिन भी घूम रहा है, अरे दाड़े नल्ले हट। अबे यार क्यों उंगली कर रहे हो बे, भाई मेरा डायनो यार, तुम लोगों ने डायनो की इफिशियंसी उतार दी और कुछ नहीं। भाई बस उठना जाए, 3 मिनट में उठ जाएगा यार ये, जल्दी मर जा। वन हिट और, अरे एक और हिट, चलो भाई लोग ये हो चुका है, बट इसकी इफिशिएंसी बहुत गंदी उतरेगी, जानते ही हूँ भाई, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी से केबल खिलाता हूँ इसको, ठीक है भाई। 44 यार इफिशियंसी उतर गई, एक काम करना था यार इसको ऐसे उठा देना था। सोचो तो अभी इसकी 1 मिलियन हेल्थ हो चुकी, आगे जाके कितना होता है यार, ये दिमाग खराब कर दिया उस डायनो ने। तो एक काम करते हैं, अगर यही होता तो ठीक है, नहीं तो मैं इनके अंडे वगैरह निकाल के इनको ब्रीड कर लूंगा, ज्यादा होगा तो एक हाई लेवल और पकड़ूंगा, देखता हूँ वो डायनो कहाँ गया, और भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मैं और भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास 2 केबल और पड़ी हुई हैं, और अब तो फ्रूट भी आ गए होंगे, तो ज्यादा होगा तो मैं एक और बना के लेके आ जाऊंगा, बट मेरे को टेम करने अपने डायनोज। ओके ओके, ये अपना मिथिक के, तो भाई मिथिक के आउल हैं अपने, उसके आउल नहीं है। ओके एक यहाँ पे, ओके ये मिथिक का, भाई सारे डायनोज मिथिक के हैं यार, कंफ्यूजन बढ़ी है।
चलो भाई एक और है ना, 360 लेवल का, ये हुई ना बात। बट 1.3 मिलियन इसका टॉर पर है। अरे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। 1.3 मिलियन तो इसका हेल्थ है और टॉर पर 2 लाख का है, तो ठीक है आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए। अरे कहाँ जा रहा है गुरु, थोड़ा दूर ले चलता हूँ इसको मैं। हो जा भाई, हो जा हो जा, झगड़े नहीं चाहिए मुझे, झगड़े नहीं चाहिए भाई, हो जा प्लीज, बेहोश हो जा, हो जाएगा प्लीज हो जा। ओके बहुत इजी हो चुका है। अबे यार कौन है बे, कौन है भाई, कौन है भाई, क्यों भाई मरना चाह रहे हो बे। ठीक है भाई लोग, वहाँ पे एक वॉल्केनिक का गार्डियन बॉस है। ओके कोई डायनो एग्रो ना हो जाए यार, तीन तीन खा रहा है ना, रुको 4 मिनट लगेंगे इसको। चलो भाई एक और काम करते हैं, घर से केवल एक और लेके आते हैं, तभी करता हूँ इसको टेम। ओके कहाँ गया, ये गया। चलो भाई लोग घर पे चलते हैं, केबल लेके आते हैं, उसके बाद टेम करता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 ही हैं। अरे कौन है भाई, ये कौन है, अरे तुम्हारी तो मरने क्यों आ रहे हो। चलो भाई लोग मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बट वो डायनो कहाँ गया। ओके ये गया वो डायनो, कोई आसपास है तो नहीं ना। चलो भाई 3 केबल खा रहा है, 3 केबल डाल देता हूँ इसके इन्वेंट्री में और होने देता हूँ। और भाई ये भी मेल है भाई, सारे डायनो मेल के मिल रहे हैं मुझे। चलो भाई तो फाइनली ये डायनो टीम हो चुका है। अभी एक काम करूँगा, घर पे जाता हूँ, एक जेंडर चेंज पोशन बनाता हूँ और इसको फिर ब्रीडिंग करवाता हूँ भाई, क्योंकि तो जब तक ज़्यादा डायनोज नहीं करूँगा ना, तब तक आई थिंक मैं ज़्यादा अंडे नहीं ले सकता हूँ। ठीक है चलो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं डायनोज पकड़ के लेके आया हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे तो बेस पे भी इतने बड़े बड़े डायनो, इतने मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस डायनो को मैं करूँ किस डायनो को नहीं करूँ। ओके ना, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, जेंडर चेंज पोशन उठा लेता हूँ यहाँ से। चलो भाई लोग अभी ये काम करता हूँ, यहाँ पे जो जो भी अपने तीनों डायनोज है ना फेरी के, ये यहाँ पे रख देता हूँ और आई थिंक इन इधर ही मुँह कर देता हूँ इनका पे। क्या कर रहा है भाई, ये हो गया पहला डायनो, ये हो गया दूसरा डायनो और ये हो गया हमारा तीसरा डायनो। तो ठीक है भाई लोग, ये है हमारे 3 डायनोज जो कि अपना फेरी के डायनोज हैं, और आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इनमें से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनका सब में से ज़्यादा लेवल किसका है, इसका 539 है, इसका 300। तो भाई लोग सबसे ज़्यादा इसका हेल्थ और अपना जो भी मेले वगैरह है और लेवल अब सबसे ज़्यादा इसी का है। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं फीमेल बना देता हूँ, ताकि अपना जो मेल है इसके स्टार्ट आ पाए हमारे डायनो के अंदर। ओके सबसे पहले इसको ही बना देता हूँ एंड इसको भी बना देता हूँ। ओके ये हो चुकी है मेल, सॉरी फीमेल हो चुकी है। अभी बिहेवियर में जाके इनका हेलो टेरेट, ये क्या है नेवल टेरेट, क्या होता है भाई, वेंडरिंग मेटिंग। ओके ठीक है भाई लोग, ये मेटिंग इसका चालू कर दिया एंड इसका भी चालू ही कर देता हूँ। चलो भाई लोग अभी आई थिंक ये दोनों लोग अंडा देना चालू कर देंगे। तो चलो भाई लोग ये डायनो हो चुके हैं हमारे ब्रीड और अभी ये मेटिंग, मतलब अभी ये डायनो हो चुके हैं मेटिंग पे और अभी थोड़ी देर में दे देंगे। ठीक है भाई लोग अंडा दे दिया है, अंडे के साथ साथ हग भी दिया है भाई। ओके ये अंडा उठा लिया इसने, ठीक है अंडा उठा लिया इसने। ओके ओके ठीक है, इसने भी उठा लिया। तो अरे ये लो, चलो भाई ये देख सकते हो हमारा पहला फेरी का एग आ चुका है और नॉर्मल एग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ठीक है ना, और मैंने अभी तक उनकी मेटिंग ऑफ नहीं करी क्योंकि वो थोड़ी देर में फिर से अंडे देने लगेंगे। तो भाई लोग ये है हमारा इनक्यूबेटर जो कि अपना देख सकते हो मेरे पास। अरे हेलो 3 फेरी के अंडे दे भी दिए इतनी जल्दी, भाई क्या ही डायनो है ये, तो भाई बहुत सही डायनो है। अभी एक काम करता हूँ, इनको यहाँ पे रखता हूँ और शायद से यहीं पे होंगे ये, मेरे को कंफर्म नहीं पता है। ओके ये दोनों हो चुके हैं, इन दोनों को क्लेम कर लेता हूँ। चलो भाई लोग इन दोनों को क्लेम कर लिया, बाहर रखते और करते हैं इन दोनों को निकालते हैं। और भाई सच में मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लैग होता है यार, मैं तो परेशान हो चुका हूँ इन लैग से, तो मेरे पास बहुत सारे डायनोज हो गए, अगर बाहर नहीं निकालूंगा तो ये लोग अंडे नहीं देंगे, तो वो भी दिक्कत बहुत है। तो भाई लोग सबसे पहले तो ये गया मेरा फेरी का वेवरन डायनो और ये है हमारा मेल डायनो और ये दूसरा है हमारा फीमेल डायनो। अरे अरे क्या कर रहा है। चलो भाई अभी देख सकते हो इसमें पता नहीं म्यूटेशन आया है कि नहीं आया है, बट आई थिंक लग तो रहा है म्यूटेशन। ओके किसी में भी म्यूटेशन नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके इसमें भी नहीं आया, तो भाई म्यूटेशन तो किसी में नहीं आया, बट इनके लेवल थोड़ा बढ़ के आ गए हैं। जैसे कि ये अपना है 2.3 मिलियन हेल्थ लेके आया है, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से डायनो में नहीं है, क्योंकि इसकी 1.2 है, 1.1 है
और इसकी है 1.9। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा डायनो है ना वो अपना ये है 2.3 का, और आई थिंक ये इम्प्रिंट होके आएगा भाई, 100% इम्प्रिंट होके आया है, तो ये बेस्ट चीज़ है ब्रो। तो देख सकते हो ये भी इम्प्रिंट होके आया, बट सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं जितना अपना ये फीमेल है। तो भाई ये है वो डायनो जो कि हमारा निकल चुका है, आप देख सकते हो ये अंडे भी देना चालू कर दिए। तो भाई मेरे को अंडों के लिए वहाँ पे रखना पड़ेगा इन डायनोस को, तो सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं ताकि इनके अंडे वगैरह कलेक्ट होते रहें। तो भाई लोग सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये है हमारे डायनोज, और कितने सारे तो निकाल दिए, देख सकते हो मैंने दो और डायनो निकाल दिए, तो बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं। और भी अंडे जो हैं वो इनक्यूबेटर में पहुंच चुके हैं, एक कलेक्टर में मैं आपको दिखा देता हूं, और अंडे पहुंच चुके हैं, शायद एक या दो पहुंच चुके हैं, क्योंकि तीन आ चुके हैं अंडे, और देख सकते हो फेरी के अंडे 10 हो चुके हैं। तो मतलब अभी मैं आगे के डायनोज भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकता हूं। तो भाई इस चीज़ के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आई होप आपको ये छोटा सा एपिसोड अच्छा लगा होगा। और भाई हर एपिसोड में मैं बॉस फाइट नहीं दिखा सकता हूं, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, ओके। बट ये जैसे जैसे मैं आर्मी बनाता जा रहा हूँ ना, ये डायनो आगे जाके काम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं अपना शेडो का डायनो टीम करने वाला हूँ। तो गाइज कल जो डायनो टीम करने आ रहा हूँ वो भी एक सरप्राइज डायनो होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप गैस कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अगला जो शेडो का डायनो रहने वाला है वो मैं कौन सा करने वाला हूँ, ओके। तो प्लीज़ मेरे को करके बताओ, और जिस किसी ने भी कर दिया तो भाई उसको शाउट आउट दे दूंगा भाई, मैं और कुछ तो दे नहीं सकता हूँ। तो बट तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।